तो बच्चों आज हम जो है नए पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जेई मेन 2021 के पैटर्न के बारे में है, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी। और इस नोटिफिकेशन में ये आया है कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है, ड्यूरेशन है, वो आपकी है 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक। यहाँ आपको फॉर्म भरना होगा। नए एग्ज़ाम की खासियत यह है पैटर्न की कि 4 एग्ज़ाम आपको एक साल में देखने को मिलेंगे, जो स्टार्ट होगा फरवरी से। तो 4 महीने लगातार एग्ज़ाम होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, जो अपनी सुविधा के हिसाब से आप चारों अटैम्प भी यूज़ कर सकते हैं या किसी एक या दो अटैम्प में आप बैठ सकते हैं। ठीक, जेई मेन का जो पैटर्न है पेपर फर्स्ट के लिए, जिसके थ्रू बी और बी टेक में एडमिशन होता है, तो इस पेपर में कुल 90 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 75 आपको चुनने की आज़ादी होगी। यानी कि 15 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको क्वेश्चन छोड़ने की आज़ादी मिल रही है इसमें, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं 75 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स इस पेपर के होंगे 300 मार्क्स और हर सब्जेक्ट में डिवाइडेड होंगे 100, 100, 100। यानी कि मैथमेटिक्स का जो सेक्शन होगा उसमें टोटल मार्क्स होंगे 100 और इसमें आपसे पूछे जाएंगे 20 MCQ बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और साथ में इस पैटर्न में 10 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस भी होंगे, तो 20+10 यानी कि 30 क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट में दिखाई देंगे। इसमें एक आज़ादी ये होगी आपको कि जो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस होंगे उनमें से आप 5 कर सकते हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं और 5 आप छोड़ सकते हैं। इसका मतलब हर सब्जेक्ट में आप जो 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उनमें से 5 कर सकते हैं और 5 छोड़ सकते हैं। इस तरीके से टोटल 15 क्वेश्चन आप पेपर में से छोड़ सकते हैं आउट ऑफ 90 क्वेश्चन। ठीक, अब हम मार्किंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो जो MCQ क्वेश्चंस होंगे उनमें हर सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत आंसर के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ होगी, तो हर गलत आंसर के लिए आपके -1 मार्क्स जो है अलॉट किए जाएंगे। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसका कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि मार्क्स तो बराबर ही हैं, यानी 4 मार्क्स हर क्वेश्चन सही आंसर के लिए होगा। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं, इनकरेक्ट आंसर होता है, तो 0 मार्क्स है, अर्थात यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन छोड़ते हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो न्यूक्लियन कोटा की तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करके आएँ। ठीक है, ये हमारी शुभकामनाएँ आप सबके साथ है।